अब देखिए डीएलएड और बीएड का आपस का लड़ाई पे हमको कुछ कहना नहीं। ठीक, बीएड के बच्चों ने फॉर्म भरा था, अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया होता तो वो योग्य थे, आ गया तो वो योग्य नहीं रहे। कह रहे हैं इतना लेट कहाँ हो रहा है, जल्दी से फॉर्म आया, जल्दी से परीक्षा हुई, जल्दी से रिजल्ट आने जा रहा है। बिहार सरकार ने एक अप्रोच लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास गई क्लियरेंस लेने के लिए बेसिकली, क्योंकि बीएड के बच्चे ऑलरेडी अप्लाई किए हुए हैं, परीक्षा ली गई, उनका रिजल्ट दे कि ना दे ये सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी उसको सरकार माने। बिहार में शिक्षक नियुक्ति होनी है, ऐसे में रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक पालीगंज से संदीप सौरभ जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप सौरभ जी, बिहार में शिक्षक नियुक्ति होनी है, अक्टूबर के मध्य में रिजल्ट आने की बात होती है, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ, अभ्यर्थी सवाल खड़ा कर रहे हैं। रिजल्ट जारी होने वाला है, अभ्यर्थी क्या सवाल खड़ा कर रहे हैं? अभ्यर्थी कह रहे हैं इतना लेट क्यों, इतना लेट कहाँ हो रहा है, जल्दी से फॉर्म आया, जल्दी से परीक्षा हुई, जल्दी से रिजल्ट आने जा रहा है, कल उसका सब आ ही गया आंसर शीट, तो आंसर शीट आ गया, लोग अपना मिला लेंगे, रिजल्ट आने वाला है, इसमें क्या कोई हड़बड़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, ऐसे में नीतीश सरकार ने SLP दायर किया था, उस SLP को वापस ले लिया गया, ऐसे में देखा जाए तो अब शिक्षक अभ्यर्थियों का मामला जो है बीएड वाले अभ्यर्थियों का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुनवाई बीते दिन हुई थी, ऐसे में 20 तारीख को तिथि दी गई है सुनवाई फिर से। सुप्रीम कोर्ट को इसमें फैसला लेना है, मेरे ख्याल से शायद सुप्रीम कोर्ट ने शायद खारिज कर दिया है या क्या, कल का खबर आप देख लीजिएगा जी। तो ये तो सब सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस से ही होना है, सुप्रीम कोर्ट को कोई अवमानना तो बिहार सरकार करेगी नहीं, तो बिहार सरकार ने एक अप्रोच लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास गई क्लियरेंस लेने के लिए बेसिकली, चूँकि बीएड के बच्चे ऑलरेडी अप्लाई किए हुए हैं, उनकी परीक्षा ली गई, उनका रिजल्ट दे कि ना दे ये सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया। अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी उसको सरकार मानेगी। क्या डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के बहाली पर इससे कोई असर दिखेगा, क्योंकि अभ्यर्थी भी सवाल कर रहे हैं जो डीएलएड के। अब देखिए डीएलएड और बीएड का आपस का लड़ाई पे हमको कुछ कहना नहीं जी। ठीक, बीएड के बच्चों ने फॉर्म भरा था, अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया होता तो वो योग्य थे, आ गया तो वो योग्य नहीं रहे। अब चूंकि वो फॉर्म भर दिए हैं तो सरकार एक स्पष्टीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट गई है, यानी कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी होने वाला, दो तीन दिन में रिजल्ट आने जा रहा है। अभ्यर्थियों को परेशान होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। दूसरी वैकेंसी जो निकलने वाली है तुरंत ही निकलेगी। आप देखिए ना, पूरे देश में बिहार के अलावा कौन राज्य है जो इतना बहाली निकाल रहा है? तो महागठबंधन की सरकार ने एक तो एग्जाम्पल सेट कर दिया कि हम अपने यहाँ जितने खाली पद हैं सब जगह पे हम बहाली निकालेंगे, बहाली निकल रही है। जाने से पहले सर अभ्यर्थियों को क्या कहेंगे? अभ्यर्थियों को हम यही कहेंगे कि सरकार पे आपको यकीन रखना चाहिए, पहले की सरकारों ने NDA की जब सरकार बिहार में थी तो तमाम बहालियों पे वो लोग गेरुआ मार के बैठे हुए थे, ये सरकार आई है सब चीज़ क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे सब पद भर जाएगा। देखिए गेरुआ मार के बैठे रहते थे जो पहले वाले सरकार में लोग थे, ऐसे में ये सरकार आई है और लगातार बहालियों को लेकर कार्य हो रहा है। माले विधायक संदीप सौरभ जो कि लगातार अभ्यर्थियों की आवाज़ बनते रहते हैं, अभ्यर्थियों की आवाज़ उठाते रहते हैं, साफ उन्होंने कह दिया है कि जल्द से जल्द रिजल्ट आने वाला है, अभ्यर्थी बेसब्री से लगातार रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में ज़्यादा दिन नहीं मात्र 3 दिन में रिजल्ट जारी हो जाएगा, अभ्यर्थियों की परेशान होने की अभ्यर्थियों को जरूरत नहीं है, ऐसे में रिजल्ट जो है जल्द से जल्द जारी होने वाला है। माले विधायक संदीप सौरभ ने सीधा सीधा डीएलएड और बीएड के मुद्दे पर बोलने से साफ मना कर दिया है, तो वहीं उन्होंने यह साफ कहा कि उन दोनों की अपनी लड़ाई है, ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते, अभ्यर्थियों की बहाली होने वाली है, ऐसे में डीएलएड वाले अभ्यर्थियों की बहाली जो है वो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द होगी। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।